हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे। आज गाइस मैं आपको ऐसी चीज़ के बारे में बताती हूँ जो कि हर घर में किचन में आपको मौजूद मिलेगी। ये आज मैं बात करती हूँ दालचीनी की। दालचीनी जो ये मैं साबुत ले रखी है जो कि हर किराने की दुकान पर, परचून की दुकान पर, हर दुकान पर इजीवल मिल जाती है। आपके किचन में तो ज़रूर होगी ये चीज़। आज मैं आपको इसके फ़ायदे बताऊँगी कि इसके फ़ायदे क्या हैं। आप जान के हैरान रहेंगे कि इसके फ़ायदे क्या हैं। सबसे पहले कि मैंने दालचीनी को साबुत लिया और उसको मैंने पीसा है और पीस के घर में रखा हुआ है। ये देखिए, ये मैंने पीस के इसका चूरन बना के, इसका चूरन भी मार्केट में मिलता है लेकिन आप इसको घर में पीस लें तो ज़्यादा अच्छा है। ये मैंने घर में इसको पीस के रखा हुआ है। ये देखिए, ये इस तरह से पीस जाती है। इसको पीस के उतनी क्वांटिटी में रखा हुआ है, ज़्यादा नहीं रखा हुआ है, अपनी क्वांटिटी में रखा हुआ है जितनी की यूज़ है। जब ये ख़त्म हो जाएगी मैं और ले लूँगी। तो इसके मैं फ़ायदे आपको बताना शुरू करती हूँ। सबसे पहले इसको हड्डियों के लिए बहुत अच्छी है ये दालचीनी। हड्डियों के लिए इतनी अच्छी है कि जिनको गठिया के रोग हैं, हड्डियों के जोड़ों में दर्द रहता है, वो इसको गर्म पानी में लेके इसका काढ़ा बना के पी सकते हैं, इसकी चाय बना के पी सकते हैं। इसको रात में वो पानी में डाल के इसको पी सकते हैं। सुबह रात को भिगोई और सुबह इसका पानी पी लिया। और दूसरी चीज़, इसको कैलेस्ट्रोल में ये बहुत फ़ायदेमंद है। कैलेस्ट्रोल में इतना फ़ायदेमंद है कि आप यकीन नहीं मानेंगे। आप लेके देखिए, आपको खुद पता लग जाएगा। क्योंकि कैलेस्ट्रोल की बीमारी आजकल ऐसी है कि हर व्यक्ति को ये हो रही है। तो आप इसको दवाई ले रहे हैं तो इसके साथ साथ ये भी लेके देखिए, कोई नुकसान इस चीज़ का नहीं है। आप इसको लीजिए, आप थोड़ा सा चम्मच लीजिए इसको, थोड़ा सा इसको दालचीनी के पाउडर को लीजिए और इसमें आप शहद मिला के इसको ले सकते हैं। अगर शहद नहीं आपको मिलाना तो गाइड्स इसको ऐसे ही ले सकते हैं। तो इसको पानी के साथ लीजिए, इसको चाय में डाल के पीजिए, इसको काढ़ा बना के पीजिए, तो ये बहुत फ़ायदेमंद करेगा। आप लेके देखिए, सर्दी जुकाम हो रखा हो, किसी को सर्दी जुकाम है तो इसको ये लेके इसका काढ़ा बना के पीजिए, इसको शहद के साथ लीजिए, इसको चाय बना के पीजिए, इसको सब्जी दाल में डालिए, इसका बहुत फ़ायदा है। जिसको डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ के लोगों को लिए तो ये रामबाण है। डायबिटीज़ जिनको लोगों को है वो इसका काढ़ा बना के पी सकते हैं, इसकी चाय बना के पी सकते हैं। चीनी ना डालिए, जिनको चीनी नहीं डालनी है वो चीनी ना डालिए, इसको काढ़ा बना के पीजिए। इसको रात को थोड़ा सा चूरन पानी में डाल के सुबह इसको छान के पीजिए, वो भी फायदा करेगा। जो ऑफिस जाती हैं लेडीज़ या ऑफिस जो जाते हैं वो सोचेंगे हम दिन भर ये कैसे करें क्या करें, तो गाइड्स उनको बॉयल करके थोड़ा सा काढ़ा बना के उसको ऑफिस जाके ले जाए, किसी भी टाइम पीजिए। इसका कोई, जिनको पेट में प्रॉब्लम है, जिनको कब्ज है, वो इसका काढ़ा बना के पी सकते हैं। जिनको मोटापा है, सर्दी जुकाम लगी, हड्डियों का दर्द है, गठियाँ हैं जिनको, कोलेस्ट्रोल के है जिनको, तो उनके लिए ये रामबाण चीज़ है। गाइड्स इसको आप लेके देखिए, आप यकीन नहीं करेंगे। इसका इतना फ़ायदा है कि लोग पहले दादी नानी चाची हमारी यही चीज़ें इस्तेमाल करती थी और तब हमें इनके फ़ायदे नहीं बताता। अब दोबारा फिर आयुर्वेद की तरफ ये हम लोग जाने लग गए हैं क्योंकि अब हमें इनके फ़ायदे पता लग गए हैं। अब हमें पता है कि दवाई भी इतनी वो है कि जितना कि हम घरेलू उपाय इनसे भी करके हम अपनी दवाई कम कर सकते हैं, अपनी बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो गाइस आप इसको ज़रूर लीजिए। आप इसको चाय में डाल सकते हैं, चाय बना के पीजिए, इसको काढ़ा बना के पीजिए, इसको ऐसे ही एक चम्मच ले लीजिए और उसमें शहद मिला लीजिए। जो लोग शहद नहीं डालते हैं वो वैसे ही इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गाइस आप लेके देखिए, इसका बहुत फ़ायदा है, इतना फ़ायदा है कि आप जान नहीं पाओगे। गाइस मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको शेयर और कमेंट्स ज़रूर करना। और जिन भी लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट, कोई नुकसान नहीं है। आप ये बच्चों को भी दे सकते हैं, दाल सब्जी में भी डाल के इसको खा सकते हैं, काढ़ा बना के पी सकते हैं, चाय के शौकीन चाय ले सकते हैं, काढ़ा बना के ऑफिस ले जा सकते हैं, काढ़ा बना के रख सकते हैं, दिन में कभी भी उसको पी सकते हैं। ऐसा इससे कोई नुकसान नहीं है, इसका फ़ायदा ही है। आप मानोगे नहीं, जब इसको आप लेना शुरू करोगे तो आप खुद देखोगे कि आपके जो शरीर में जिनको मोटापा है उनकी चर्बी है धीरे धीरे कम होने लगी है। जिनको कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल के लिए तो ये रामबाण है। आप देखोगे इसमें आयुर्वेद में भी आजकल ये मिलने लग गई हैं कि गोलियाँ मिलने लगी हैं, चूर्ण मिलने लग गया। तो गाइस ये कोई महंगी चीज़ नहीं है, कोई इससे नुकसान नहीं है। आप लेके देखिए ज़रूर, आपको इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। धन्यवाद।
और मेरी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके गाइड्स इतना ज़रूर बताना कि आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपको ये अच्छी लगी और किस किस को इसके फ़ायदे पता भी हैं और कौन कौन ये यूज़ करता भी है। धन्यवाद।